आम मुस्लिम जमात से इंदौर सदर पद के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए। शुक्रवार देर शाम चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। नतीजों के अनुसार अफजल सैयद आम मुस्लिम जमात के सदर निर्वाचित हुए, जिन्हें 1207 वोट प्राप्त हुए। वहीं दूसरे स्थान पर रहे परवेज शेख को 741 वोट मिले तथा रईस शेख मिसकीन को 629 वोट मिले। इस प्रकार आम मुस्लिम जमात के सदर पद पर अफजल सैयद को निर्वाचित किया गया। नतीजों के बाद शहर में जगह जगह अफजल सैयद का हार फूलों से स्वागत किया गया। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के बाद में आम मुस्लिम जमात के जो चुनाव हुए, उसके बाद में आज 8 तारीख को जो 8/1/2021 को जो आज चुनाव हुए थे आम मुस्लिम जमात के सेंधवा शहर के अंदर, इसके अंदर आवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनकी जो मोहब्बत थी वो मेरे साथ में काफ़ी अच्छी रही। अल्लाह के करम से और बुजुर्गान दिन की दुआओं से आज मैं कामयाब रहा। मैं ये सब आवाम की मोहब्बतों का नतीजा है और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और हमारे सेंधवा शहर के अंदर एक अमन का पैगाम हम लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम एक अमन का पैगाम देंगे सेंधवा शहर के अंदर और हमारे बच्चों के लिए हम इंशाअल्लाह ताला हम दिन ये दीनी तालीम का काम करेंगे। यही मैं भी पैगाम देना चाहता हूँ फ़िलहाल में। आवाम को किस तरीके से, मतलब आगे समाज किस दिशा में रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में या आगे जो भी आपकी योजनाएं हैं किस तरीके से आप? जी अभी फ़िलहाल में हमने ये सोचा कि हम बच्चे जो बेरोज़गार हैं उनके लिए हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहो तो उनके लिए अच्छा कोई रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे हम। और हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे सरपरस्त वगैरह हैं, उनसे हम बैठ के इंशाअल्लाह मशवरा अच्छा करेंगे और जो भी तरकीब बनेंगे इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे हम।